सोनू भाई बनारस में कैसी लस्सी मिलते हैं वहाँ से? तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत फिर से हमारे एक ब्लॉग में। तो यहाँ बनारस में सुबह हो चुकी है, तो काफ़ी लेट हो चुका, 8 बज गए। तो हम नहा धो के जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। तो आप आ चुके हैं भाई साहब, इस समय देख ही सकते हैं गंगा मैया के पुल के ऊपर। तो ये रही ये है गंगा मैया जो कि वाराणसी में हम चल रहे हैं। पानी बहुत काफ़ी आ गया भाई साहब, ये फोर्ट देख सकते हैं आप। ये हवेली, ये हवेली है भाई साहब। अब इधर है सब घाट, 80 घाट, मणिकंका घाट वो रहा, वो क्या बोलते हैं उस घाट को, अश्वमेध घाट, 80 घाट, तुलसी घाट, सारे घाट भी इधर हैं। और फिर ऊपर चल रहे हैं हम भाई साहब इधर। तो आए थे यहाँ पर रात में, लेकिन रात में यहाँ रूम नहीं मिले थे। तो अनूप भाई के फ्रेंड के वहाँ रुके हुए थे, तो उनके घर से अब हम आ रहे हैं। तो जा रहे हैं, देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी क्या है। तो साथ दर्शन किए जाएंगे भाई बाबा के। चलिए पहुँचते हैं पहले मंदिर के पास, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज के हम आखिर में तो पूरा भाई लोग सब ले रहे हैं कपड़े, कुर्ता वगैरह पहनने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं जी। पहुंच रहे हैं ये लेने, ये धोती कैसी लगेगी भाई लोग, मुझे बताइए। ये बताएं भाई, ये ले रहे हैं सब महाकाल वाले कुर्ते और धोती। ये रहे पूरे बात। चलो सोरा भाई लोग जो ले रहे हैं, मतलब कि अनुप भाई लोग, तो खड़े हैं साइड में कि हमको लेना नहीं, इन्हों को लेना है। ले ले भाई साहब, पसंद कर ले, पसंद कर लो भाई साहब जल्दी से। सोनू भाई देखिए अपने तैयार हो चुके हैं पूरे भक्ति में रंग के। हर महादेव, हर महादेव। इधर देखिए सब दर्शन करते हुए वापस आते हुए। सोनू भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इनको देखिए भाई साहब को हमारे, ये हमारे अनूप भाई को देखिए कैसे कैसे रंगे वंगे हुए बढ़िया बाबा की भक्ति में, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा। और सामने सब बनारस की पतली पतली गलियों में हम निकाल रहे हैं भाई, स्कूटी से निकल रहे हैं। ये आगे बैरिकेड लगा हुआ, तो देखिए अनूप भाई कहाँ खड़े दे रहे हैं। भाई बनारस की इन पतली गलियों में हम टहलते घूमते हुए मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं साहब कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारे पीछे वो भी लगे हुए हैं बाइक से, जानो भाई हमारी गाड़ी चला रहे हैं, तो शायद पहुँचने ही वाले हैं कुछ दूरी पर। गलियों में चल रहे हैं, तंग गलियों में होते हुए टहल रहे हैं भाई साहब। हम पहुँच चुके हैं नंदी चौराहा, क्योंकि मंदिर इधर है, हाँ मंदिर इस तरफ है। तो हम नंदी चौराहा पे खड़े हुए हैं, तो अब जा रहे हैं बाइक को, देखते हैं जहाँ स्टैंड होगा वहीं पे लगाते हैं, इसके बाद जाते हैं हम दर्शन के लिए। तो देखते कहाँ जगह मिलती है, मतलब कि स्टैंड कहाँ पे है जहाँ पे हम बाइक को लगा सके। तो जहाँ स्टैंड मिलता है वहाँ पर बाइक लगा के फिर जाते हैं दर्शन के लिए, है ना। तो दोस्तों हम खा रहे हैं छोला चावल, की भूख लगी है, और इनके भी छोले भटूरे चल रहे हैं। इधर भी छोला भटूरा, इधर छोला चावल ना, बहुत अच्छा है। दर्शन भी पहले, क्योंकि भीड़ काफ़ी है, तो हम लोगों ने निश्चय किया कि दर्शन करेंगे शाम को। उससे पहले कुछ भ्रम हो, क्योंकि आए हुए शंकर मूर्ति हनुमान जी के दर्शन करने, दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद कहीं पर रूम देखेंगे, रहेंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद शाम को निकलेंगे बाबा विश्वनाथ काशी जी के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सतर खाने के बाद मिलते हैं भाई, ठीक है। दोस्तों पहुँच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर,
तो ये रहे सभी लोग। तो भैया अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, तो जाते हैं दर्शन करके फिर मिलते हैं बाहर। भैया देखो गुस्सा आ रहे हैं, काहे के लिए बहुत देर हो गई भैया, गर्मी लग रही है यार, इतनी गर्मी है ही, गर्मी का लगवा कर। चलो चल रहे हैं दोस्तों, हम दर्शन वर्शन करके आ गए और दर्शन करके खड़े हुए हैं यहाँ पर हम। लो भाई चाबी लो। दोस्तों हम लोग को दर्शन हो चुके हैं, दर्शन करके अब खड़े हुए हैं और अब जाएंगे दुर्गा कुंड। तो दुर्गा कुंड में दर्शन करेंगे, तो वहाँ भी चलते हैं ना कि सोनू भाई गए, सोनू भाई आ रहे हैं दर्शन करके, जैसे आते तो हाँ तुरंत निकलेंगे यहाँ से हम दुर्गा कुंड के लिए, वहीं पर मिलते हैं। ओके साहब, आप निकले हैं हम बाबा के दर्शन के लिए। ये जो भाई साहब का पूरा गेटअप चेंज है, और भाई साहब को खाना था रबड़ी लस्सी, तो वही खाने आए भाई साहब को इधर, और मामा श्री इनके इधर हैं। ये लीजिए आप सभी लोगों के लिए। कैसी लस्सी लग रही? बहुत बेकार। पूरा खाली हो गया, बढ़िया लगी, क्या कहना भाई साहब। अपने ऑटो में बैठ के सामने गाँव जा रहे दर्शन के लिए, ये भाई थोड़ा मतलब दुखी थे तो इनको खुश करके लाया गया है भाई साहब। इनका सर दर्द हो रहा है, ये तो अपनी मस्ती में, ये दोनों लोग अपनी मस्ती में लगे। दिस इज अ फॉर्चून। किसे वाला भाई? यार इनका तो ऐसा ऐसे बोल रहे थे वहां सा, तुमको समझ में आया क्या बोला? नहीं है हमको भी नहीं, कहां से आएगा यही जाने कैसे क्या बोले, कैसे क्या बोले बताइएगा गुरु, बताइएगा बता दीजिए गुरु, बताइएगा ना। कोई बात ना, ए मामा तुम का पीछे देखा था। चला मिलते हैं गुरु, पहुँच के हम मंदिर के पास जस्ट। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं नंदी चौराहा, क्योंकि उधर बाहर कटिंग लगा दी गई, क्योंकि कोई बड़ा VVIP आदमी आ रहा है, तो ये तो कोई ऑफिसर वगैरह कोई आ रहा है ना। हाँ कोई बहुत बड़ा VIP आ रहा है। हाँ, तो जिसके कारण वहाँ पर रोड बंद कर दी गई, तो हम उनको इधर से डाइवर्जन कर दिया गया है, तो हम लोग छोटी रास्तों में घूमते हुए इधर से जाएंगे। तो हम जा रहे हैं मंदिर के पास पहुँचते हुए, अनु भाई आगे आगे भाग रहे हैं, देखिए जैसे हम चलने के। काला डाला है ये गली में, भीड़ काफी है भाई साहब। भाई साहब यहाँ प्रसाद चौहान और लोकल के अंदर बैंड उतार दिया है, बैंड जाता है भैया, आपको मिलते हैं दर्शन करने के बाद। नहीं ठीक रख रहे भैया, दर्शन करने के बाद मिलते हैं सीधे, सीधे लॉकर में सामान रखते हैं फिर निकलते हैं फटाफट, गेट बंद होने वाला है ना। तो दोस्तों हम लोगों के दर्शन एकदम फर्स्ट क्लास एक नंबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम आराम से हो गए। कि भाई कैसा लगा भाई लोग बता दो, दर्शन कैसे हुए? बढ़िया हुए ना, बहुत एकदम जबरदस्त। लेकिन हाँ आधा एक घंटा लेट था, क्योंकि योगी अपने मंत्री आए हुए थे भाई, योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, तो फिलहाल हाँ ये है कि देख नहीं पाए अपनी नज़रों से, लेकिन आए मिले। और ये रही बनारस में, लेकिन ये चीज़ है एकदम जैसे वो होता नहीं है, चीज़ बड़ी खास है, जैसे वो होता है ना जयपुर का गुलाबी शहर, वैसे भी यहीं पर सारी बिल्डिंग है इधर की घाट की तरफ सब गुलाबी ही है, पिंक कलर चारों तरफ, पिंक कलर है। यहाँ की घाट की आरती देखने जा रहे हैं, पता नहीं गंगा जी मतलब कि वो आ गए हैं, मतलब कि पानी ऊपर आ गया है,
गंगा जी ऊपर आ गए। अगर देखते हैं, अगर होगी आरती तो देख पाएंगे, अगर नहीं होगी फिर क्या, गंगा जी के दर्शन काशी में दर्शन करके बहुत अच्छा। बिल्कुल ना नीक लागत है कि अब घर जाए मन नहीं कर रहा, यूं मान लो। लो सही बताओ कैसा लग रहा है आशीष? बहुत मजा आ रहा, दर्शन में लगा हुआ बहुत अच्छा। तो यहाँ की खास बात यही है कि जैसे जयपुर में गुलाबी बिल्डिंगें नहीं होती हैं, वैसे भी यहीं यहाँ पर भी है, चारों घाटों पर ऐसी ही बिल्डिंगें मिलेंगी आपको। क्यों बोल बनाते हैं जी, मान लो यहाँ प्रसाद के नाम पे लूटते हैं। अरे लूटते नहीं, मतलब उन्हीं का दिया उन्हीं के वो वापस जा रहा है भाई, चीज में क्या हर्ज है। हाँ ये मानते हैं कि पैसे हमारे पास कम है भाई ना, एडजस्ट होगा वो है साथ में तो एडजस्ट करेगा भाई किसी न किसी तरह के, है बात ये मानते भी नहीं। यहाँ घाट की तरफ भीड़ बढ़ती ही है जा रही है, क्योंकि अभी हमको शाम को भीड़ बहुत कम मिली, लेकिन आगे भीड़ हमको लग रहा है कि भीड़ में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और अनूप भाई कहाँ गए? अनूप भाई वो देखो जा रहा, इधर सब दुकानें हुई क्योंकि बहुत पहले यहाँ आए थे। ये देखिए उड़पी मुंबई बना हुआ है, इसमें बहुत जब ये बन रहा था तब आए हुए थे, जब ये बन रहा था तब आए हुए थे, अब ये बन के तैयार है। दोस्तों यहाँ पे चल रही है आरती, घाट पे कौन से घाट पे हैं? दसवां मेन घाट है, दसवां घाट पे हैं जहाँ पे आरती चल रही है। ये भीड़ इतनी है कि इसके आगे हम जा नहीं पा रहे, गए थे अभी आगे तो निकल के आ गए। मिलते हैं आरती होने के बाद, दिक्कत है यहाँ पर इसलिए भीड़ ज़्यादा है, इसलिए संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग अनूप भाई और सोनू भाई तो स्ट्रिंग ले लिए, क्योंकि हम लोग घूमने टहलने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ आए तो घूमना टहलना तो बनता है यार। तो अभी पान खाएंगे, पान पैक करेंगे, है ना, क्योंकि घर के लिए यहाँ के पान हम जितनी बार आए उतनी बार पान लेकर जरूर गए, तो दो तीन सौ रुपये पान हम पैक करा के ले जाएंगे घर। अब बाकी स्ट्रिंग पीते हैं, अब जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, देखते हैं वहाँ पर कैसा है नज़ारा, मिलते हैं सीधे घाट पर। हम बाबा के दर्शन नहीं कर पाते लेकिन यहाँ हमारे दर्शन आराम से हो रहे हैं। देखिए भाई बाहर स्क्रीन पर बाकी हम बनारस की सैर कर रहे हैं आगे चलते हैं। और आओ भाई आशीष, ये आशीष भाई हमारे रहे हैं, तो हम बनारस की सैर करते हुए आगे जा रहे हैं, तो आगे देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, भीड़ ज़्यादा है, जिसके लिए हम आगे रखते जा रहे हैं। तो बाबा दर्शन हो गए भाई, दोबारा से भी वीडियो बना ली, अब आगे जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर, यहाँ पे अंतिम यात्रा यहाँ तक आती है, सामने देखिए, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर जलाया जा रहा है, यहाँ मनुष्यों की अंतिम यात्रा आती है। तो हम यहाँ से काफ़ी देर से हैं, अब इसके बारे में आगे बताएंगे आपको, मिलते हैं आगे। अरे हाथ मेरा क्यों पकड़ो, सुहेल भैया मेरा हाथ चले गए। तो हम हैं महाकालेश्वर भवन में, तो हम जा रहे हैं लिफ्टों से ऊपर, जिस लिफ्ट से मोदी जी हमारे गए हुए थे, कॉरिडोर में चढ़े हुए थे देखने के लिए, उसी लिफ्ट से हम भी जा रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। कुछ नज़ारा है रामेश्वरम भवन का, ये सामने रामेश्वर भवन, इधर भारत माता जी, यहाँ पर हम बैठे आराम कर रहे हैं, हमको की हवा ले रहे हैं भाई, यहाँ पर बैठ के। और इधर कॉरिडोर का तीसरा चौथा गेट है, गेट वन है कॉरिडोर का,
तो देखते हैं अंदर जाने को मिलता कि नहीं। तो रामेश्वर भवन के अंदर भारत माता की स्टेचू बहुत बढ़िया दिखा। पानी देखिए भाई गंगा जी में कितना चल रहा है साहब, पूरा ऊपर आ गया है। ये देखिए सर सर जब भी बनारस आए तो पाँच लोग मिलता है, एक लाजवाब एक नंबर का पान मिलता है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर्यटक सहायता केंद्र पर, ये सामने दुकान है। तो घूम रहे समय हम आगे ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, ये है भाई साहब हिंदी चौराहा, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। जाएं तो हम कन्फ्यूज हैं कि इधर जाना है कि इधर जाना है। हम आए थे इधर से ना, इधर से आए थे, इधर से आए थे। हम चलते हैं स्टेशन की तरफ, स्टेशन के बाद खाना भी खाना भाई साहब, भूख लग रही है इनको भी और हमको भी। तो देखते हैं कुछ खाने मिलता खाते हैं ना। अब हम आ गए हैं वाराणसी स्टेशन, ये रहा और इधर चल रहा डांस भैया। भैया दोस्तों हम चल रहे हैं स्टेशन आगे टहलने। ये देखिए भाई साहब, क्या भाई हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ हवा में। इधर है वाराणसी स्टेशन जहाँ हम लोग आए हैं रात के 11:30 बजे टहलने, कि सोने का मन नहीं, बिल्कुल भी थके बहुत है इसलिए सोने का मन नहीं है। टहल रहे हैं स्टेशन, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग तो यहीं रखते हैं, तो भैया आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, हरा माधव, प्यारी सी गुड नाइट और जय श्री राम। तो एक बार नहीं लड़ाई बात थी, तो मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और जय भोलेनाथ, जय श्री राम। काशी नगरी में आपका स्वागत है, जय जय।